अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो ये बात केवल आपके लिए है, आप संभल जाइए, सतर्क हो जाइए, वरना पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। क्यों? क्योंकि ये नया साल जो आ रहा है ना अंग्रेजों का, इसको कतई नहीं मनाना है, इसका बायकॉट करना है हम लोगों को। क्यों मनाए हम इस नए साल को अंग्रेजों के बनाए हुए नियम को? अंग्रेज चले गए, अपना नियम छोड़ गया, उसी को हम लोग कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे और नया साल मुबारक। और काहे का मुबारक, हम लोग का नया साल स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल के महीने में, चैत्र मास जिसको बोलते हैं, ठीक है। चैत्र मास से ही हम लोगों का सनातनी हिंदुत्व का त्योहार स्टार्ट होता है और हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं। वो भी सपोर्ट करना ही करना पड़ेगा। अभी मैं बहुत सारे दल से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो लोग आए मेरे साथ, मेरा सपोर्ट करें। चंदन भाई यूपी वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी के साथ सारे दल हमारा सपोर्ट करें। और सपोर्ट इस बात का कि इस अंग्रेजों के बनाए हुए नियम को उखाड़ के फेंक देना है जड़ से। और जो भी आता है इस नए साल को मानने के लिए ना, जो भी बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, जो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे, इस पर उनका विरोध करना है, खुद के सामने से आके विरोध करना है, ना कि पीछे से। आप करना क्या है, मोबाइल उठाइए, लाइक मारिए, कमेंट मारिए, शेयर करिए, विरोध अपने आप होगा। और जो बड़े बड़े पद पे बड़े बड़े औहदे पे बैठे हुए हैं ना, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार सर महोदय आप नए साल की बधाई मत दीजिएगा। क्यों? नए साल का बधाई अगर दम होगा तो आप चैत्र मास में दीजिएगा, जो कि हम लोग के हिंदुस्तानियों का त्योहार है, हम लोग के हिंदुस्तानियों का नया साल है। अंग्रेजों के नए साल पे आपको बधाई देने का कोई हक नहीं है। समझ में आई बात? अभी कुछ महीने में आ जाएगा आपका वैलेंटाइन डे, किस डे, प्रपोज डे, हर डे, क्या है सब। उस समय बहुत सारे दल वाले आ जाएंगे, लगेंगे लाठी भाला लेके दौड़ा दे मारने पीटने। अरे वो सब आज ही करो ना। जब देखो मैं बता दूं, जब सैनिकों को साफ करना हो ना, तो सैनिकों को मत साफ करो, सैनिक की उपज जहां से हो रही है उसी को साफ कर दो। और वो जो लाल वाला बटन है उसपे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो ये उपज जब अंग्रेज साफ हो गए हैं तो हम सैनिक के बच्चों को क्यों छोड़े? बात समझ में आ गई होगी मेरी कि जब अंग्रेज चले गए तो हम अंग्रेजों की बात क्यों माने? भाई हम हिंदुस्तान में हैं, भारत माता की धरती पे हैं और भारत माता की कोख में हैं, और भारत माता की कोख में पलने वाला हर बच्चा हिंदुस्तानी ही होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी की पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी पार्टी को इंक्लूड करूंगा, ना ही किसी पर्सनल विशेष जात को इंक्लूड करूंगा। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि ये नया साल नहीं मनाना है, मतलब नहीं मनाना है। बाकी आपकी मर्जी है मनाए या ना मनाए। और बहुत ही अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है भाई लोग, और आप सभी मेरे गाइस जितने भी हैं, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो यार प्लीज, मैं तो अलग स्टूडियो में बैठा हूँ इसलिए मास्क नहीं लगाया हूँ, मास्क जरूर यूज करें, क्योंकि कोरोना आ चुका है भारत में भी और चीन में, देख ही रहे हैं आप लोग, 20-20 दिन लग जा रहे हैं लाश को, बॉडी को, डेड बॉडी को जलाने में, अंतिम दाह संस्कार करने में। तो प्लीज यार आप लोग संभल जाइए कि ये इसको हल्के में कतई मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि कोरोना इस बार का इतना खतरनाक है कि आप लोग अंदाजा भी नहीं पाएंगे, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इस चीज को गंभीरता से लिया है और इस पे अच्छा से अच्छा कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोरोना पिछले वेरिएंट के अलावा बहुत ज्यादा घातक है। इस चीज से संभालना चाहिए और बाहर से आए लोगों से डायरेक्टली संपर्क में ना आए, मास्क पहने, सैनिटाइज करें, हमेशा साफ सफाई रखें और इस चीज के बचाव के बारे में हर प्रिकॉशन को लेते रहें, यही बचाव है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है और कोरोना फैलते हुए टाइम नहीं लगता है, 1.5 करोड़ लोग मारे जा रहे हैं चीन में, आपको पता होगा, लाख लाख लोग मारे जा रहे हैं, किरान से भर भर के लोग लाशों को फेंक रहे हैं, लाशों का अंबार लगा हुआ है। अमेरिका ऐसे हाई टेक्नोलॉजी सुपर पावर देश में इतना तेजी से कोरोना पांव पसार रहा है कि 1.5 लाख लोग वहां बीमार हो गए हैं, हॉस्पिटल में कदम रखने की जगह नहीं है। तो हम लोग ऐसा नौबत ना आने दें, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, आप लोगों को पता है, जब हिंदुस्तान अपने पे आता है ना तो पूरे देश में अपना झंडा गाड़ देता है और बता देता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, एक अकेला हिंदुस्तानी पूरे विदेश पे भारी पड़ने की ताकत रखता है। तो इस चीज को हम दिखा के रहेंगे कि मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, बाहर से आए व्यक्ति से थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे और 14 दिन के बाद ही कम से कम उससे हम संपर्क में आएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो इस चीज को संभालने की जरूरत है। और वाह क्या सीन है,
वह क्या सीन है? अगर आप तीसरा डोज नहीं लगवाए हैं तो तीसरा डोज जरूर लगवा लें। मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, तीसरा डोज जरूर लगवा लें। बाकी तो जिंदगी है तो चलती रहेगी, ठीक है। तीसरा डोज जरूर लगवा लें। और हाँ, ये बात मेन पॉइंट हमारा ये था कि आज मैं बोलूँ आपको कि कोरोना है तो जीवन नहीं है। कोरोना से बचना है तो मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, साफ रखना है, सफाई रखना है, ठीक है। तो अभी कुछ ही दिन बाद लोग कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे कहीं की शुभकामनाएं भाई, कभी किसी को ये कहते देखा आपने? इतना उत्साह कभी आप लोगों ने देखा है कि हम लोग चैत्र मास में हम लोग जाकर के कहें कभी कि हैप्पी न्यू ईयर या फिर नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे प्रकृति भी साथ देता है भाइयों, प्रकृति भी साथ देता है उस समय नए साल में। जो चैत्र माह हम लोगों का है, चैत्र मास जो होता है भगवान श्री राम का दिन होता है, और भगवान श्री राम का दिन में पता ही है आप लोगों का प्रकृति साथ देता है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है, पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, फसल भी आ जाते हैं, ठीक है। दिन भी ऐसा आ जाता है कि न ठंडी होता है न गर्मी होता है, हर तरह के कपड़े कंफर्टेबल होते हैं पहनने के लिए। हर सीजन से बेहतर सीजन चैत्र मास होता है, और वही यकीन मानिए वही ही हम लोगों का नया साल है। ये अंग्रेज जो था ना, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, मैं बताना चाह रहा था भूल गया, लेकिन ये अंग्रेज का ही बनाया हुआ है। कौन सा अंग्रेज बनाया था मैं बताता अभी नाम आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। वही बना के गया है, वही हमारे संबंध से छेड़छाड़ किया है, वरना ये पहले हम लोग का यही था। तो गाइस, आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस बार नए साल का बायकॉट करेंगे आप लोग, टोटल बायकॉट करेंगे। क्यों? उसका भी एक रीजन है। जैसे आप लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जैसे किसी एक हीरो का आप लोगों ने बायकॉट किया था और बायकॉट कर रहा है, बायकॉट चल रहा है इस समय, जैसे एक पर्सनल हीरो का आप लोगों ने बायकॉट किया है इस समय और करते आ रहे हैं, वैसे ही इस बार नए साल को आइए हम लोग मिलके हाथ मिलाएं। और इस नए साल का जो जनवरी में पहला दिन पड़ता है, पहला तारीख, इसको हम लोग बायकॉट करेंगे, नया साल नहीं मनाएंगे। मनाएंगे तो केवल चैत्र मास का नया साल मनाएंगे, वही हम लोग का हिंदुत्व का परिवार, हिंदुत्व का पर्व है। तो गाइज, आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो यार लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि खूब ज़्यादा मेरी बात फैल सके और लोग सुन सके, समझ सके। और कोरोना से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मास्क लगाएं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कोरोना से इतनी भयानक मौत होने वाली है ना कि आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे, इसलिए सतर्क हो जाइए। बी अलर्ट एंड सेफ अलर्ट, स्टे अलर्ट। जय हिंद।